मेरा नाम राबिया है, मैं कराची से हूँ। मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरे दो बच्चे हैं। मेरे बच्चे को एपिलेप्सी का इश्यू है, जिसे आप आसान अल्फाजों में फिट्स कह सकते हैं। इस वक्त जो मैं ग्रॉसरी लेकर आई हूँ, जिसमें आटा, चीनी, घी, दालें नहीं है, बिजली का बिल, यूनिट है 6 यूनिट, जिसका बिल है 15,560 रुपये। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं लेके आई हूँ पाकिस्तान से रिलेटेड एक और न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे ये पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास हाउस वाइफ है, आज उनके क्या हाल हो चुके हैं। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो और इन जो पाकिस्तान के मंत्री लोग हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाके भी ये लोग सिर्फ बकवास करके आ रहे हैं, और इनकी जो जनता है वो किस तरीके से पछता रही है। हम पहले आप इस वीडियो को देखिए, हम बात करते हैं इस वीडियो के बाद। मेरा नाम राबिया है, मैं कराची से हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरे दो बच्चे हैं। मेरे बच्चे को एपिलेप्सी का इश्यू है, जिसे आप आसान अल्फाजों में फिट्स कह सकते हैं। मैं किराए के घर पे रहती हूँ, जिसका किराया 20,000 रुपये है। इस वक्त जो मैं ग्रॉसरी लेकर आई हूँ, जिसमें आटा, चीनी, घी, दालें नहीं है, ये मेरा बिल है। ये मैं अभी लगाऊंगी कि आप लोग देख लें कि इस माँ ने कोई फजूल खर्ची नहीं की है। इसको देखें कि इसमें आटा, चीनी, घी कुछ नहीं है। बच्चों को क्या भूखा मार दूं? उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बिजली का बिल, यूनिट है हमारे जिधर, जिसमें इस पाकिस्तान में, इस कराची में, इस एरिया में लाइट नहीं होती, यूनिट है मेरे 556 यूनिट, जिसका बिल है 15,560 रुपये। बताओ कहाँ पे करूँ, रेंट पे करूँ, ग्रॉसरी लेकर आऊँ, बिजली के बिल दे या टैक्स पे करे तुम लोगों को, कि तुम लोगों की जेबें भर जाएं। मेरे बच्चे को फीड्स पड़ते हैं, जिसकी मेडिसिन तुम लोगों ने इन 4 महीनों में माशाल्लाह इतनी महंगी कर दी है कि वो भी पिलाना छोड़ दूँ। मैं उस मरियम नवाज में, उस शहबाज शरीफ से पूछती हूँ, क्या तुम लोगों को खुदा का खौफ नहीं है? खत्म हो गया है खुदा का खौफ, मरना नहीं है, कब्र भूल चुके हो कि तुम लोगों ने कब्रों में भी जाना है? क्या तुम इन मासूमों के आंसुओं का हिसाब तुम लोगों को कब्र में पूछा नहीं जाएगा कि तुम लोगों ने एक गरीब को मार दिया है? आखिर करे तो क्या करे जिसमें रोजाना की सब्जी नहीं है? बच्चों का को दूध पिलाना छोड़ दे, अंडे खिलाना छोड़ दे, 20 रुपए का एक अंडा। गौर से सुनिएगा नाजरीन, गौर से। मसाइल का हल कोई मुश्किल नहीं है, हमारा क्राइसिस सिर्फ इतना है, हमें एक उमर बिन अब्दुल अजीज चाहिए या एक सलाहुद्दीन अयूबी, बस। या स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी हो या बेनोवलेंट डिक्टेटरशिप, रातों रात ये कौम देखेगा क्या होगा, दुनिया हैरानों के देखेगी इस पाकिस्तान को हुआ क्या। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। जब क्योंकि आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा होगा, इस वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। तो जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से जो पाकिस्तानी महिला है वो किस तरीके से परेशान हो गई है, मतलब जो उसका बेटा वो इतना बीमार है कि उसको जो टाइम टू अगर उसको टाइम टू टाइम दवाई नहीं दी गई तो बेचारा मर जाएगा। और जो उनकी दवाइयाँ हैं वो 4 महीने में उनके मतलब सर के ऊपर हो गई, वो दवाइयाँ खरीद भी नहीं पा रहे, ऐसा हो गया। जो उनके जो आपने उनकी लिस्ट देखी किस तरीके से, उनकी लिस्ट में जो है वो आटा, गेहूँ, दाल, चावल ऐसी तो मतलब खाने की चीज़ें तो है ही नहीं उनकी लिस्ट में। मतलब बेचारे जो पाकिस्तानी हैं, कुछ जो गरीब पाकिस्तानी हैं, वो बेचारे पछता रहे हैं एक तरीके से पाकिस्तान में रह के। और जो उनके पाकिस्तानी मतलब जो उनके पाकिस्तानी मंत्री हैं, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाके अपने मतलब देश का हाल नहीं बता रहे कि वो किस तरीके से कर्ज में डूबते जा रहे हैं, किस तरीके से उनकी जनता परेशान हो रही है, किस तरीके से उनकी जो महंगाई है वो सर चढ़ के बोल रही है, उनके यहाँ पर आटे की क्राइसिस हो रहे हैं, उनके पास आटा नहीं है, वो ये बात बिल्कुल भी नहीं बता रहे। वो कह रहे हैं कि सिर्फ उनको चाहिए कश्मीर। मतलब हद होती है, मतलब इन लोग ये लोग कितने करप्ट इंसान है ना, मतलब उनको सिर्फ अपनी जेबें भरनी है, बाकी इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। यही कारण है कि जो आज पाकिस्तान है ना, आज इस हालात में है। एक तरीके से सही है,
ऐसा ही होना चाहिए इन लोगों के साथ, जहाँ ये भारत की इतनी बुराइयाँ करते हैं, फिर बाद में जाके वो भारत से मदद भी मांगते हैं, और फिर भारत अगर थोड़ा सी हेल्प करने के लिए तैयार होने लगे, इनकी तरफ हमदर्दी दिखाने लगे ना, तभी जाके ये लोग कहते हैं कि भारत ऐसा है, मोदी ऐसा है, उनकी बुराइयाँ करनी स्टार्ट कर देते हैं। इन बेवकूफ़ जाहिल पाकिस्तानियों को कौन समझाए? अगर इनकी कोई मदद कर सकता है ना इस टाइम, तो वो सिर्फ भारत है, और कोई इनकी मदद नहीं करने वाला, कोई इनकी साथ नहीं देने वाला। जिस तरीके से ये हरकतें कर रहे हैं, जिस तरीके से इन लोगों ने अपना मजाक बना दिया ना पूरी दुनिया में, तो इनकी कोई मदद नहीं करने वाला। मेरे को तो लगता भी नहीं है कि ये मतलब इस साल में भी इस साल इनका देश टिक पाएगा, वरना पाकिस्तान अगले साल तक तो इस मैप में रहेगा भी नहीं, जिस तरीके के इनके हालात है। तो आप लोग इस पे क्या कहना चाहते हैं, उस हाउस वाइफ की जो दर्द है वो किस तरीके से बांटना चाहते हैं, और इस पे क्या राय है, क्या हमें पाकिस्तानियों की मतलब इस दर्द पे थोड़ी सी हेल्प कर देनी चाहिए? और जो ये जाहिल मतलब बेवकूफ़ मंत्री लोग हैं पाकिस्तान के, ये मतलब इनके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपके सभी कमेंट्स पढ़ते हैं। तो हम मिलते हैं कोई न्यू वीडियो में आपसे, और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, हमारी जो वीडियोज़ है वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी, न्यू इंटरेस्टिंग जो पाकिस्तान से रिलेटेड है सभी न्यूज़ आपको टाइम टू टाइम मिलेंगी। तो सब्सक्राइब कर दो यार, इस वीडियो को भी लाइक कर देना, हमें अच्छा लगता है जब आप लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं, हम ये सब आप लोगों के लिए तो कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे कोई न्यू वीडियो में, और तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।